वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अब पाकिस्तान किसी की जंग में शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो मुल्कों के दरमियान अमन पैदा करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत चुकाई है। बोले ट्रंप से कहा था कि ईरान और अमेरिका की दोस्ती कराने के तैयार हैं। जंग में कोई फाते नहीं होता, पूरी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती कराएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुस्लिम उम्मा के माबैन पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। हमारी सरजमीन किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मशरिकी वुस्ता के हवाले से पाकिस्तान के मौकिफ को सराहा गया। कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए उमूर ख़ारजा का इजलास। वज़ीर ख़ारजा बोले फरवरी में वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान अगले माह पाकिस्तान आएंगे। खित्ते में कशीदा सूरतेहाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, खित्ते में क़याम-ए-अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान किसी जंग में हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान तनाज़े के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनेगा, खित्ता मज़ीद तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।